గులాం నబీ ఆజాద్ మరోసారి హైకమాండ్ పై పరోక్షంగా విరుచుకుపడ్డారు కింద స్థాయి నుంచి ఎన్నికలు జరపాలన్నారు లేకపోతే మరో యాభై ఏళ్ళు ప్రతిపక్షంలోనే ఉండాల్సి వస్తుందన్నారు ఎన్నిక జరిగితే పార్టీలో కనీసం యాభై ఒక శాతం మంది మద్దతుంటుంది అదే అధ్యక్షుడిగా ఎవరినైనా నియమిస్తే అటువంటి వారికి కనీసం ఒక శాతం మంది మద్దతు కూడా ఉండదన్నారు ఎన్నిక ద్వారా ఎంపికైనా సిడబ్ల్యూసీ సభ్యులైతే వారిని ఎవరూ తొలగించలేరు అలాంటప్పుడు మరేంటి ఇబ్బంది అని ప్రశ్నించారు थे अध्यक्ष थे मेरा ऑफिशियल लिस्ट में नहीं ना, नाम नहीं था मैं जीत गया तो जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट पीसीसी या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं उनको मालूम है कि वह इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे यह समझ लीजिए यह विरोध क्यों हो रहा वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी बरा, जरा भी रुचि हो वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो 51 परसेंट तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है दो या तीन लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है तो जीतेगा वही जिसको इक्यावन परसेंट फिफ्टी परसेंट वोट आएंगे दूसरे को कहीं पंद्रह आएंगे तीसरे को दस आएंगे तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार संभालेगा तो कम से कम फिफ्टी परसेंट पार्टी के लोग तो उसके साथ हैं और जो दूसरे नंबर दो तीन चार हैं जिनको तीस या पंद्रह या दस आए वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा अगले दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा तो उससे क्या होती है एक तो फिफ्टी वन वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको बीस मिले दस मिले पंद्रह मिले वो भी आपके साथ उसने कहा मैंने लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ एक परसेंट भी नहीं होता है क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आजाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड रिकमेंड ही तो किया ना आसमान से तो नहीं उतरा तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ सौ परसेंट लोग हैं कि शून्य हैं तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है अब जहां जिसके पास सौ सौ परसेंट तो खैर किसी के नास जिसके पास पचास साठ परसेंट लोगों का समर्थन है वो तो अच्छा काम करता है लेकिन जैसे कि पास शून्य सपोर्ट है वो स्टेटी शून्य हो जाती है अब इसमें कौन सी बुरी बात है कांग्रेस लीडरशिप के लिए इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट इसी तरह से ब्लॉक इसी तरह से वर्किंग कमेटी वर्किंग कमेटी में भी नॉर्मली वर्किंग कमेटी के मेंबर को इलेक्टेड को आप हटा नहीं सकते हैं लेकिन अपॉइंटेड को आज हटा दिया आज गुलाम नबी आजाद ने स्टेटमेंट दिया तो गुलाम नबी का गा, गायब लेकिन अगर वर्किंग कमेटी इलेक्टेड हो तो फिर हटा नहीं सकते तो इसमें कौन सी आपत्ति है मेरी इलेक्टेड अब इससे पहले केसरी जी से तो कोई कमजोर प्रेसिडेंट था नहीं लेकिन उन्होंने सतानवे में, में डेढ़ी साल के लिए रहे लेकिन इलेक्शन ड्यू था तो उन्होंने वर्किंग कमेटी का इलेक्शन किया कैलकटा में उससे पांच साल पहले नरसिम्हा राव जी वो तकरीबन साढ़े तीन साल ही कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे नहीं वो पाँच साल ही रहे पाँच साल वो भी रहे लेकिन डेढ़ साल उन्होंने पुरानी कमेटी ही से काम चलाया लेकिन उन्होंने भी आते इक्यानवे में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने और प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन बयानवे में डिब थे इलेक्शन पार्लियामेंट में तो उन्होंने तिरुपति में इलेक्शन कराई वर्किंग कमेटी की उसमें भी हम जीत के आए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो उन्होंने रोका नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि तेईस साल से इलेक्शन नहीं है हम जब सरकार में हैं यूपीए वन यूपीए टू तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है उनके पास पावर भी है सेंटर में है स्टेट में है उनके पास संगठन भी मजबूत है एक संगठन ही चालीस पैंतालीस संगठन है उनके पास संख्या भी है उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है तो अगर मेरी पार्टी को पचास साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे तो अब कुछ नहीं बनना मैं चीफ मिनिस्टर भी बन चुका हूं पांच प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री भी रह चुका हूं वर्किंग कमेटी चौंतीस साल से हूं जनरल सेक्रेटरी पंद्रह दफा बना हूं मुझको क्या चाहिए और लेकिन जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इलेक्शन की की, 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 की की कीमत क्या है और हम क्यों कह रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं इलेक्शन करो फायदा तुम्हें होगा कल अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसी को इससे फायदा बनेगा ना कल किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसी को फायदा होगा ना कल नई जनरेशन को अगर यूनियन मिनिस्टर बनना है तो उन्हीं को फायदा होगा हम और एक्टिव पॉलिटिक्स में पांच सात साल होंगे तो हमें तो कोई लेने देने तो प्राइम मिनिस्टर नहीं नहीं बनना बनना है है हमें तो पार्टी नहीं बनना है। हम तो पार्टी अध्यक्ष हम हम सब पद रह चुके हैं लेकिन एज ट्रू जिनकी जिंदगी और खास करके गांधी फैमिली के साथ हमने संजय गांधी के साथ काम किया है इंदिरा गांधी के साथ में जनरल सेक्रेटरी भी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था राजीव गांधी के साथ में और इंदिरा गांधी के साथ मैं मंत्री भी था तीन साल